हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेके आया हूँ अंसल हाईलैंड पार्क सेक्टर 103 और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 3 BHK का सैम्पल फ्लैट 1762 स्क्वायर फीट का। ये एंट्रेंस करते ही ये आपका पैसेज एरिया है, पैसेज के बाद ये आपका किचन एरिया है। आप देख सकते हैं किचन के अंदर मॉड्यूलर वर्क किया हुआ है, किचन के साथ आपका वेंटिलेशन के लिए और वॉशिंग के लिए ये एरिया दिया हुआ है, बालकनी एरिया देख सकते हैं। बाकी मैं आपको इसका कंप्लीट लेआउट दिखा देता हूँ किस टाइप से है। एंटर के बाद ये आपका फर्स्ट किचन था, फिर देन ये आपका लिविंग एरिया स्पेस है, ये आपका सामने लिविंग एरिया स्पेस है, ये आपका डाइनिंग एरिया स्पेस है और आपका लिविंग एरिया के साथ भी ये बालकनी एरिया दिया हुआ है। इसके अंदर ये सामने इसका बालकनी एरिया है। ये अब हम आगे की तरफ चलते हैं तो ये इसका फर्स्ट कॉमन टॉयलेट बाथरूम आ जाता है जो आपका लिविंग एरिया और एक बेडरूम को कवर करेगा। तो ये इसका कॉमन टॉयलेट बाथरूम एरिया है। साइज आप देख सकते हैं, एक्सेसरीज आप देख सकते हैं, आंसल का प्रोजेक्ट है ये। ये इसका फर्स्ट बेडरूम है, बेडरूम के साथ भी आपका बालकनी एरिया दिया हुआ है, कपबोर्ड के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है। फिर आगे चलते हैं तो इसका मास्टर बेडरूम एरिया आ जाता है। मास्टर बेडरूम के अंदर इसमें वुडन फ्लोरिंग यूज़ की हुई है, आप देख सकते हैं वुडन फ्लोरिंग है। रूम साइज भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, सामने आपका कपबोर्ड के लिए स्पेस है, इस साइड से वेंटिलेशन के लिए विंडो दी हुई है और ये इसका सामने बालकनी एरिया है और ये इसका अटैच टॉयलेट बाथरूम एरिया है। बालकनी देख सकते हैं, बालकनी एरिया बहुत अच्छा साइज दिया हुआ है। मैं आपको कंप्लीट बालकनी का व्यू दिखा देता हूँ एक बार। ये इसका कंप्लीट बालकनी का व्यू है। अब नेक्स्ट इसका चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। ये इसका थर्ड बेडरूम है, इसमें भी आपका कपबोर्ड के लिए वो स्पेस दिया हुआ है, प्लस आपका बालकनी एरिया है इसके अंदर भी और ये आपका सामने टॉयलेट बाथरूम एरिया आ जाता है। बाकी इसमें कुछ इन्वेंट्री अवेलेबल है, आपको कोई भी क्वेश्चन कोई क्वेरी हो आप मुझे कॉल डायरेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।